हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमृताज़ हैप्पी टमी। आज हम बनाने जा रहे हैं कुरकुरी चटपटी सी लौकी की मुठिया, या फिर आप इसको लौकी के फिंगर्स भी कह सकते हैं। ये जो रेसिपी है ये बच्चे बहुत पसंद करते हैं। आप ब्रेकफास्ट में बना लीजिए या चाय के साथ खाने के लिए बना दीजिए। बहुत ही टेस्टी बनती है और एक दो दिन तक फ्रिज में रह भी जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। आज की रेसिपी के लिए मैंने लौकी को कद्दूकस कर कर ले लिया है। ये करीब करीब 1 कप लौकी है। अब इसमें मैंने डाला है 1 कप बेसन। बेसन की जो मात्रा है दोस्तों, वो थोड़ी सी कम ज़्यादा भी हो सकती है, वो लौकी के पानी के ऊपर डिपेंड करती है। फिर इसमें मैंने डाला है आधी छोटी चम्मच हल्दी, और हल्दी डालने के बाद मैंने डाली है 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर आप अपने स्वाद अनुसार डालिएगा दोस्तों। अगर आप थोड़ा और तीखा पसंद करते हैं तो थोड़ा और ज़्यादा डालेंगे तो भी चलेगा। फिर मैंने इसमें डाला है स्वाद अनुसार नमक। नमक डालने के बाद मैंने इसमें डाला है 1/2 कप चावल का आटा। चावल के आटे की वजह से ये जो मुठियाँ हैं वो बहुत ही क्रिस्पी बन जाएंगी दोस्तों। तो चावल का आटा ज़रूर डालिएगा, उससे बहुत ही अच्छा क्रिस्पीनेस आ जाता है। फिर मैंने इसमें डाला है 1/2 छोटी चम्मच जीरा, 1/2 छोटी चम्मच अजवाइन, 1/2 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच जीरा पाउडर, और फिर मैंने डाला है इसमें 1/2 बड़ी चम्मच गरम मसाला। ये सब डालने के बाद ये जो मिश्रण है इसे मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। मैंने इसे गूंदना शुरू किया है। तो गूंदने के लिए हम यहाँ पे बिल्कुल भी पानी नहीं यूज़ करेंगे दोस्तों। पानी जो है लौकी का जो पानी है वो ही इस आटे को गूंदने के लिए काफ़ी हो जाता है। बस हमें गूंदते समय क्या करना है, थोड़ा सा इसको मसलते हुए आटे को मिक्स करते हुए गूंदते जाना है। देखिए मैं भी उसी तरह से कर रही हूँ, आप भी इसी तरह से करिएगा। तो अब जो है आटा मेरा थोड़ा थोड़ा बाइंड होने लगा है और ये एक डो जैसा बनने लगा है। धीरे धीरे हाथ से मसलते हुए लौकी को मैंने, उसका पानी निकल गया है, उस वजह से जो है डो बनना शुरू हो गया है। तो देखिए मेरा डो बनकर तैयार है। बस इसी तरह से आपको भी एक डो बना लेना है। जब डो बन जाए तो हाथ में आप तेल लगा लीजिए और उसमें एक लोई ले लीजिए पूरे की साइज़ की। फिर उसको हमको रोल करना है लंबा लंबा। तो देखिए मैंने कैसे एक लंबा सा रोल कर बना लिया है। बस इसी तरह से आपको भी बना लेना है। एक जो मुठिया है वो मेरी बनकर तैयार है। इसी तरह से मैं मेरी बाकी की भी मुठिया बना लूँगी। और देखिए दोस्तों, मेरी सारी की सारी मुठियाएँ बनकर तैयार हो गई हैं। तो अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए मैंने 1-2 बड़े कप तेल ले लिया है और तेल को मैं थोड़ी देर गर्म होने दूँगी। तो इस तेल को गर्म हो गया है ये तेल। देखिए मैंने एक छोटा सा टुकड़ा डालकर चेक कर लिया था। अब इसमें मैं अपनी मुठियाँ जो है वो छोड़ दूँगी। तो मुठियाँ मैंने छोड़ते समय ये ख्याल रखा है कि 2 मुठियों के बीच में मैंने थोड़ा सा गैप या स्पेस रखा है, जिस वजह से ये जो है वो अच्छे से फ्राई भी हो जाएंगी और मुझे पलटते समय भी आसानी रहेगी। तो आप भी ऐसे ही कीजिएगा दोस्तों। अब मेरी जो मुठियाँ हैं इसे मैं मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर रही हूँ दोस्तों। बिना हिलाए मैं मीडियम फ्लेम पर फ्राई करूँगी। हमें फ्लेम को कम भी नहीं रखना है और हमें फ्लेम को थोड़ा ज़्यादा भी नहीं रखना है। देखिए दोस्तों, मुठिया के जो एजेस है वो थोड़े से सुनहरे लगने लगे हैं, इसका मतलब मुठिया जो है वो नीचे से पक चुकी है। तो अब हम इन्हें पलटी कर लेंगे। एक बार जो एजेस सुनहरे लगने लगे तो धीरे धीरे इनको एक एक कर कर पलटी कर लीजिए। पलटी करने के बाद हमें इनको नीचे के साइड से फिर से मीडियम फ्लेम पे ही पकाना है दोस्तों। गैस को मीडियम फ्लेम पे ही रखना है। अगर आप धीमा रखेंगे तो मुठिया जो है वो बहुत ज़्यादा ऑयली बन जाती है और खाते समय बहुत ऑयली ऑयली सी लगने लगती है टेस्ट में। और अगर आप हाई फ्लेम पे पकाएंगे तो मुठिया जो है वो अंदर से कच्ची रह जाती हैं और बाहर से पूरी तरह से जल जाती हैं। तो इसीलिए हमें हमेशा ये ख्याल रखना है, मुठिया पकाते समय हमें गैस को मीडियम फ्लेम पे ही रखना है, ना उसे कम करें ना ज़्यादा करें। तो देखिए दोस्तों, अब मैंने उल्टी पलटी कर मीडियम फ्लेम पे ही इन्हें पकाया है और करीब करीब मेरे जो 2 मिनट हैं वो हो चुके हैं। तो एक बार चेक कर लेते हो नीचे से मुठिया हुई हैं या नहीं फ्राई। तो मुझे तो लग रहा है फ्राई हो चुकी हैं मेरी मुठियाँ और अच्छे से बनकर तैयार भी हो गई हैं। तो इनको मैं थोड़ा सा हिलाकर देख लेती हूँ। वाओ, देखिए दोस्तों कितनी अच्छी लग रही है ना, दोनों साइड से एकदम अच्छा सा सुनहरा सा कलर आ गया है इसको। तो बस मेरी मुठिया गर्मा गर्म बन कर तैयार हैं। अब मैं इन्हें निकाल लूँगी एक टिश्यू पेपर पे प्लेट में और इन्हें अच्छे से केचप के साथ या चटनी के साथ सर्व कर लूँगी।
देखिए दोस्तों, मुठिया तो तैयार हो गई, कितनी टेस्टी लग रही है। तो अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।